हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे 3D करेक्टर अमंगस का। उसके लिए हम साइज़ चीज देखेंगे अमंगस का, साइज़ के अनुसार शेप लेके उसे बनाएंगे। हाँ, स्केल से इसको शेप में देंगे। स्केल से हमें चारों तरफ भी कर सकते हैं एक साथ, इसीलिए स्केल सबसे बेस्ट रहता है। स्केल का शॉर्टकट की है R, एंड उसके पैर निकालेंगे। पैर का फेस सेलेक्ट करके उसे बाहर निकालेंगे पैरों को। अपने अकॉर्डिंग एक्चुअली मैंने रेफरेंस नहीं लिया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, बट बहुत इजी करेक्टर है तो इतना नहीं होगी। बहुत लंबा था इसका ये साइज, थोड़ा छोटा करेंगे और पैरों को भी सही करेंगे। इसका चेहरा एंड क्या कहते हैं, हेलमेट है, चेहरा है, कुछ है, उसको बाहर निकालने के लिए फेस सिलेक्ट करके एजेस ऐड करके उसके बाद फेस सिलेक्ट करेंगे एंड बाहर निकालेंगे एंड स्मूथ करके देखेंगे कैसा लुक वो आ रहा है। शिफ्ट पकड़ के इसको बाहर निकालेंगे, उससे स्ट्राइस बाहर निकल आते हैं। तो एडजस्ट करनी पड़ेंगी उसका साइड का निकालने के लिए, साइड में जो रहता है सपोर्ट में, इसके चेहरे के सपोर्ट में। इसको राउंड करने के लिए हमको शेप चेंज करना पड़ेगा, इसको ध्यान से कहीं बाहर ना निकल रहा है। भी हम सिर्फ पकड़ के खींचेंगे बाहर, देख कर इसको ठीक करेंगे, सिर्फ थोड़े बाहर निकलेंगे। इसका बैक पैक बनाने के लिए फेस पकड़ के इसको सिर्फ पकड़ के बाहर खींचेंगे, सिर्फ नहीं स्केल स्केल से बाहर खींचेंगे। जो थोड़ा सा राउंड राउंड आता है ये गलत सिलेक्ट हो गया है, बट दोबारा करेंगे। इसकी वजह से साइज मैनेज करेंगे का। इसका क्राउन बनाएंगे हम अभी। क्राउन बनाने के लिए शेप लेंगे, उसमें एजेस ऐड करेंगे आगे एंड देन ब्राउज का क्राउन का साइज देंगे, क्राउन का शेप सॉरी एजेस सेलेक्ट करके एजेस फेस सेलेक्ट करके इसको ऊपर खींचेंगे। कुछ डिलीट कर देंगे और क्राउन आ जाएगा, उसके नीचे का पार्ट भी डिलीट कर देंगे। नीचे ब्लैक दिख रहा था इसलिए टू साइड लाइट ऑन कर दी मैंने। इसको स्मूथ करके देखेंगे तो परफेक्ट क्राउन आ रहा है, उतना नहीं आ रहा है बट गेम जो गेम में जैसा दिखता है आ रहा है वैसा। मैनेज करेंगे इसको, इसके ऊपर बॉल्स लगाएंगे बहुत सारी, थोड़ा बहुत क्राउन जैसे दिखना चाहिए इसे, जो कि दिख रहा है। कलर करने के बाद अच्छा दिखेगा, अच्छा मतलब ओके ओके।
इसका बैग थोड़ा सा और बाहर निकाल लेंगे, बहुत सारा सामान होगा इसके अंदर। अब कलरिंग करेंगे इसकी, कलरिंग करने के लिए सिलेक्ट करेंगे पार्ट कहाँ कैसा कलर करना है। इससे पहले थोड़ा सा बैग पैक ठीक करेंगे, थोड़ा सा बाहर निकालेंगे इसे, सेट में आ रहा है। अब कलरिंग करेंगे इसमें, अभी हम सिलेक्ट कर रहे हैं जहाँ कलर करना है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, जो कलर नहीं करना उसे अनसिलेक्ट कर रहे हैं। वेट, अभी यहाँ भी थोड़ा सा अंदर तरफ जाएगा ये पार्ट, उसके बाद कलरिंग करेंगे। इसको सिलेक्ट करके स्केल से अंदर करेंगे इस पार्ट को, अंदर हो गया, बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी ज़्यादा हो गया शायद, कम करेंगे। देन अगेन सिलेक्ट करेंगे कलरिंग के लिए। अभी मैं सब कुछ सिलेक्ट करके अनसिलेक्ट कर रहा हूँ जितने में कलर चाहिए अपने के लिए। तो सिलेक्ट करेंगे करने के लिए आप जाएंगे कलर। अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए कलर के ऊपर तो कमेंट बताएं, ज़रूर बनाएंगे स्पेसिफिक कलर के ऊपर वीडियो। एंड आप दूसरे पार्ट को सिलेक्ट करेंगे दूसरा कलर करने के लिए। हम अभी फेसेस सिलेक्ट कर रहे हैं, जो फेस सिलेक्ट करना पड़ता है कलर करने के लिए। करेंगे थोड़ा सा क्योंकि ब्लैक रहता है मैक्सिमम ये वाला पार्ट, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है बट ओके नाइस नॉट बैड। यहाँ हम थोड़ा सा वाटर कलर करेंगे, करके दोबारा कलर करेंगे। अभी थोड़ा सा अच्छा आ रहा है, अभी इसके क्राउन भी करेंगे, ज्यादा ब्लैक दिख रहा है। अभी ठीक दिख रहा है, इसका क्राउन को कलर चेंज करेंगे। इसका क्राउन का गोल्डन टाइप का रहता है तो इसको गोल्डन ट्राई करेंगे कलर लाने का। ये ओके, फिर इसके बॉल्स भी इसी कलर करेंगे, कलर कलर एंड सेंटर वाला बॉल डिफरेंट कलर करेंगे। और ये हो गया, अभी इसको रेड करेंगे क्योंकि रेड अच्छा दिखता है, रेड ज़्यादा रहता है। तो थैंक यू एंड बाय। अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड थैंक यू।